सब्सक्राइब करें, सेम आपको ऐसी ऐसी जानकारी दिया जाएगा। संस्कृति का सार बिहार है, गौरव अपार बिहार है, ये कर्म भूमि महान की, गंगा की धार बिहार है। बिहार का अर्थ जानो और गर्व से कहो कि हाँ हम बिहारी हैं। बिहार एक पवित्र शब्द है, इसे समझना है तो यहाँ आज या कल की राजनीति या सामाजिक संघर्ष से नहीं बल्कि इसके नाम से इसे समझो। भगवान राम अवध बिहारी हैं। रामायण की चौपाइयों में उन्हें अजर बिहारी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अमंगल को मंगल करने वाले भगवान का स्थान। भगवान कृष्ण बांके बिहारी हैं। बिहार का मतलब भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली मोनेस्ट्री भी होता है। ये विहार से बिहार हुआ, जहां शांति और ज्ञान के उपदेश दिए जाते थे। कुल मिलाकर बिहार का हर अर्थ भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा है। और अगर बिहार के सिर्फ इतिहास को ही देख लिया जाए तो पता चलता है कि कई बड़े सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत बिहार से हुई। भारत के संपूर्ण इतिहास का बड़ा हिस्सा सिर्फ बिहार के इतिहास में समाहित है। तो अगर कोई कहे बिहारी तो गर्व से कहिए, हाँ हम हैं बिहारी। अपनी पहचान को हम पहचाने तो दुनिया हमें पहचानेगी। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं इस दुनिया को बिहार ने क्या कुछ दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा अमेरिका करता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बना। बिहार की मिट्टी से कई चीजें पनपी। आपको बता दें कि दुनिया के दो धर्म बिहार की महान मिट्टी से निकले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोनों बिहार में ही अस्तित्व में आए, तो वहीं सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की ही महान मिट्टी में हुआ। यही कारण है कि पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धर्म स्थल माना जाता है। बिहार धर्म की भूमि रही, आंदोलन की भूमि रही और बिहार ही ज्ञान की भूमि रही। दुनिया के कई देश एक से बड़े एक यूनिवर्सिटी होने का दावा करते हैं, जबकि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी और यहाँ पूरी दुनिया के विद्वान पढ़ाई के लिए ललायित रहते थे। आज के दौर में जिस तरह से राजनीति में शह और मात का खेल होता है, उस कूटनीति का पाठ भी दुनिया को पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के थे। वहीं जिन्होंने रामायण लिखी वो वाल्मीकि बिहार की मिट्टी से उपजे। बात आध्यात्म की हो या फिर विज्ञान की, दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी देने वाले पहले बिहार से ही निकले। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही थे। ज्ञान के सागर बिहार ने ही दुनिया को गणित का अद्भुत ज्ञान दिया। इस ज्ञान को देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के थे। वही बात अगर राजाओं की करें तो बिहार के सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासक में माना जाता है। आपको जानकर यह खुशी होगी कि अशोक चक्र ही भारतीय झंडे के केंद्र में है। तो फिर हम तो यही कहेंगे कि बिहार का अर्थ जिसने भी समझा वो पूरी दुनिया में गर्व से कहेगा कि हाँ हम बिहारी हैं।